हेलो दोस्तों, मेरे नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बताने जा रहे हैं V6 जो गाड़ी है उसका डीजल फिल्टर, जो फ्यूल फिल्टर है उसको कैसे चेंज करेंगे, और ऐसी भी गाड़ियां में उसका सिस्टम जो है। बहुत सारी गाड़ियां हैं जिसमें क्या होता है कि फिल्टर चेंज करते हैं और गाड़ी थोड़ा स्टार्ट होता है फिर बंद हो जाता है। तो चलिए हम बताते हैं किस तरीके से फिल्टर को चेंज करना है, उसको चेक करने का क्या तरीका है प्रॉपर बैठाने के बाद। तो पहले हम आएंगे फिल्टर के पास और फिल्टर को खोल लेंगे। चलिए चलते हैं। इन और आउट वाला दोनों पाइप को हम हटा के और 5 नंबर एलिंकी की मदद से इसका पूरा ऊपर का और हटाएंगे। हटाने के बाद बाल खा रहा स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको छुड़ाएंगे। यूट्यूब पर डालिएगा कुछ बोला ना रे। ये फिल्टर पूरा चौक हो चुका है, इतना सुपर वाला फिल्टर है। ये फिल्टर हो चुका है चौक पूरा, देखिए काला काला हो गया है। अब इस डीजल को अच्छे से वाश, कवर को पूरा अच्छे से वाश करेंगे फिर डीजल से ही, उसके बाद इसको लगा देंगे। लगाने के बाद क्या चेक करना है सबसे बड़ा का जानकारी यही है, वो लास्ट में दिखेगा। पूरा वीडियो जब तक नहीं देखिएगा समझ में नहीं आएगा ये क्या करना। बहुत सारे लोगों का दिक्कत ये रहता है जो किस कलर का किस में लगाना है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होना नहीं है, उसके डब्बे पर लिखा हुआ है, ये जो फिल्टर का बॉक्स है सेट उस पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, जिस तरह से उस पर लिखा हुआ था येलो, दूसरे वाले पर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ग्रे। कन्फ्यूज होने का कोई संभावना ही नहीं। अगर आप दोनों फिल्टर को एक साथ रख देते तो दिक्कत होता है, जो मेरा मेन फिल्टर कौन था, प्री फिल्टर कौन था, तो उसके लिए भी दिक्कत नहीं है। ये जो सेंसर वाला है ये प्री फिल्टर है, जो कि ये पीछे लगता है, और ये इस पर लिखा हुआ है देखिए मेन फिल्टर, जो कि आगे लगता है। आगे बोले तो ये जो लाइनिंग हम बताते हैं, ये जो पंप है हैंड पंप के आगे आते हुए है, ये पाइप जो गया है वो मेन फिल्टर में गया है, और प्री फिल्टर का फिर दूसरा जो गया है वो दूसरा साइड, ये प्री फिल्टर। और यहाँ भी लिखा रहता है ये जो गया हुआ है मेन फिल्टर के लिए गया हुआ, ये मेन के लिए आ गया हुआ है, इधर से जो जाएगा रिटर्निंग वो प्री फिल्टर के लिए गया। डीजल भर के इसको आराम से सेंटर करके डाल लेंगे, ये टाइट हो चुका है। अब हम चेक करेंगे, देखिए इसमें थोड़ा जा रहा है, मतलब ये ठीक बैठा हुआ है, दूसरे वाले में पूरा जा रहा है, दूसरे वाले में इतना जा रहा है इतने के आसपास में, और फर्स्ट वाले में इतने जा रहा है, थोड़ा जा रहा है, मतलब ये पूरा बढ़िया से फिटिंग हो गया है। अगर गलत इसका सेटिंग होगा तो ये नहीं जा पाएगा झाड़ू का लकड़ी अंदर, या कुछ भी गेज बना लीजिए जिससे ये चेक कर सके आप। चेक करने तो ये होगा जब आप क्लियर रहिएगा, नहीं तो होगा कि आप डीजल जो डाले हैं वो डीजल जलेगा फिल्टर का और गाड़ी बंद हो जाएगी। तो इसी तरीके से चलिए हम दूसरा वाला भी फिट करते हैं। इसको आराम आराम से एकदम डालिए ताकि इसका जो पेपर है वो भींगता हुआ आराम से बैठ जाए। फर्स्ट बार में हुआ क्या था, हम लोग फर्स्ट वाला जो बैठा है उसमें भींगा नहीं है वो, और एक बार में पूरा दबा दिए जिसके कारण वो डीजल गिर गया। चलिए इसमें आराम से बैठा दिए हैं, ये बैठ चुका है, और फिर उसी तरीके से इसमें कस के और चेक कर लेंगे फिर इसको फिट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से बने रहिए, फिर दूसरे वीडियो में आपके लिए लाते रहेंगे।